नाउन में पांच को लिखाए थे उसमें पहला क्या लिखा है? प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या होगा? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल्स और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अगर कोई पूछे कि उसको हिंदी में कैसे बोलना है, हिंदी में बताओ, तो हिंदी में भी लिखा दिए हैं। एग्जाम्पल में जैसे राम में पटना का इटीसी। राम इसका एग्जाम्पल कैसे हो गया? राम। क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है। और पटना इसका एग्जाम्पल कैसे हो गया? क्योंकि पटना एक जगह का नाम है। ठीक है, दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। उसका हिंदी में कोई पूछे तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति जानवर स्थान या वस्तु का बोध हो उसे पूरी जाति का जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति जानवर स्थान या वस्तु का बोध न होकर उसके पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुआ, क्या उसने हम किसी का नाम तो नहीं लिए, बस बोले कि बुआ मतलब क्या, वो लड़का है, मतलब क्या, वो लड़के जाति का है। काउ मतलब क्या, वो गाय है। और विलेज मतलब क्या, कि गाँव का नाम है। ठीक है, उसमें क्या कि हम किसी के गांव का नाम नहीं लिए कि ये कौन सा गांव है, बस लिख दिए कि विलेज का मतलब गांव होता है, मतलब विलेज। यहाँ पे टाउन भी लिख सकते हैं उसका मतलब, एग्जांपल में। फिर उसका क्या है तीसरा? कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टूगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसी को अगर हिंदी में बताना है तो क्या बताएंगे? जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या? क्लास। तो क्लास है तो क्लास में एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, कम से कम उसमें 10 स्टूडेंट होगा। तो उस फिर क्या है? टीम। जैसे कोई टीम है तो टीम एक आदमी से तो टीम बनेगा नहीं, कम से कम उसमें 4 आदमी होना चाहिए तब उसका टीम बनेगा। आर्मी, आर्मी में कोई एक नहीं रहता, उसका सेना रहता है कितना, कम से कम 15-20 उसका सेना रहता है, इसीलिए हम आर्मी दिए समझाने के लिए। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है।